वेलकम टू माई चैनल यूमी एंड कायरा। तो आज का वीडियो होने वाला है हाउ आई शूट माई वीडियो बिहाइंड द सीन, मतलब मैं किस तरह से वीडियो शूट करती हूँ, प्रेपरेशन करती हूँ, किस तरह से मैं टाइम निकाल के अपना वीडियो जो फिल्म करती हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं अभी अभी जस्ट उठी, अपना फेस वेस क्लीन किया है, ब्रश कर लिया है। मैं सुबह मॉर्निंग अपना स्टार्ट करती हूँ वाटर से। इसमें है लेमन, पोहा जो मेरे लिए है, और इधर मैंने चढ़ाया है तेल जो कि हस्बैंड और बेटे के लिए बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ा ऑयली खाना अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई एम ऑन डाइट। दैट्स फ्राइड राइस जो कि बहुत ज़्यादा कम ऑयल लिया है मैंने। इसमें यहाँ पे बन रहा है फ्राइड राइस, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी पनीर चिली जो कि बहुत कम तेल में, आप बोल सकते हैं ये डाइट तरह का है। मतलब कम ऑयल डाल के मैं इसमें वेजिटेबल फ्राई करूँगी, उसके बाद चावल डालूँगी। एंड मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये फ्राइड राइस मसाला। मैंने पनीर चिल्ली के लिए ये मिलॉन्स का मिलता है, तो मैंने इसे मिक्स किया है इससे, कि मैं इस पर कोई सॉस वॉस नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा ऑयल लिया है। एंड सब वेजिटेबल को फ्राई कर लूँगी, स्टर कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ये डालूँगी। फिर जो पनीर मैंने काटा हुआ है ये फ्राई मैं नहीं करूँगी, ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ। मैं ऐसे ही पनीर चिल्ली बनाती हूँ घर पे, क्योंकि ये हेल्दी होता है और बहुत कम तेल है, तो फिर आपको आपके डाइट को इफ़ेक्ट भी नहीं करता है। शार ले लिया और कायरा भी नहा धो के रेडी हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं लंच के लिए। अभी बज रहे हैं 1, तो मैं हमेशा 1 बजे या 2 बजे के बीच अपना लंच कर लेती हूँ। तो फटाफट से खाते हैं, उसके बाद कायरा सोएगी, उसके बाद जो मैं अपना वीडियो जो शूट करने वाली हूँ वो कायरा सोने के बाद शूट करूँगी। तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। कायरा भी नहा धो के रेडी हो चुकी है, और कायरा देखो इधर आ जाओ, कायरा का आज हेयर वॉश हुआ है, दैट्स व्हाई उसके बाल ऐसे लग रहे हैं। कायरा ये है फ्राइड राइस, और ये है पनीर चिल्ली। अभी बज रहे हैं 2:30, तो कायरा को अभी अभी जस्ट सुलाया है, आप देख सकते हैं वो अभी सो रही है। मैं फटाफट अपने शूट के लिए रेडी होती हूँ, मेरे पास 2 घंटा है, 2 घंटा वो आराम से सो जाएगी, तब तक मैं जो अपना जो शूट का प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी।
तो अभी मेरे पास रिसीव हुआ है मुझे मिंत्रा का पैकेट, तो देखते हैं लेट्स सी इसमें क्या है, तो फटाफट से देख लेते हैं। पहाड़ निकली है। इतना बड़ा पैकेट में इतना छोटा। वाव। इतना गर्म क्यों है? धूप से है ना। अच्छा, H&M तो H&M ही आके। तो हमने कायरा के लिए मंगाया था वाइट शूज़, जो कि उसका पिछला छोटा हो गया था, तो ये ब्रांड H&M से है। अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप अपने बेबी के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको पास से दिखाती हूँ, इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। H&M तो खैर क्या बताऊँ इसको, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, मिलेगा आपको। मैंने ये मिंत्रा से मंगाया था और इसमें साइज मंगाया है 3 इयर्स। मुझे वीडियो शूट करना है, उसके लिए मैं कपड़े जो मैं दिखाने वाली हूँ वो कपड़े अलग करूँगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये सारे कपड़े हैं जो कुछ रखा हुआ था उसे मुझे अभी आयरन करना पड़ेगा। और ये कपड़ा है जो मैं अभी पहन के शूट करूँगी, वीडियो में पहनूँगी। तो ये कपड़े मुझे कुछ कुछ आयरन करने हैं, जैसे कि ये कुछ कुछ कपड़े ठीक है, तो मैं इसे फटाफट से आयरन कर लूँगी। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, जिस आउटफिट में मुझे शूट करना है वीडियो, तो फटाफट से अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप डन हो चुका है, मैंने ईयरिंग्स पहन लिए, ड्रेस पहन लिए, हेयर स्टाइल और मेकअप बहुत मिनिमम मेकअप रखा है, मतलब आईलाइनर वगैरह नहीं लगाया। फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, उस कुर्ती के लिए है, तो इसलिए थोड़ा एथनिक लुक मैंने रखा है। तो रेडी हो चुकी हूँ, उसके बाद मैं अभी अपना बैकग्राउंड, जिसमें मैं बैठ के जो बोलूँगी उसका जो बैकग्राउंड है मुझे सेट करना पड़ता है, तो सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। जिससे कि लाइट आता है फोकस में, उसके पीछे जो DSLR रखते हैं, तो आपको पूरा देख के सेटअप पता चल जाएगा। तो फिर मैं पहले सेटअप करती हूँ, उसके बाद फिर। तो सेटअप रेडी हो चुका है, मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और ये रिंग लाइट है जिससे मेरे फेस पे लाइट आएगा, तो वीडियो को उससे बहुत अच्छा आता है। और वहाँ पे मैंने DSLR सेट कर लिया अपना, और जो लेंस है लेंस में मैं देख के बात करूँगी आपसे, और माइक जो है यहाँ पे लगा हुआ है जिससे कि जो मेरा आवाज़ क्वालिटी वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे माइक रखा हुआ है। और गर्मी इतना लग रहा है गाइस, क्योंकि मुझे पंखा जो है वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि पंखे से आवाज़ आता है और आपको देखने में अच्छा नहीं लगता और डिस्टर्ब होता है, तो मेरी बेटी उठ गई। तो मैं इसके सोने का वेट कर रही थी, मुझे लगा वो सो जाएगी, तो मेरे शूट के
मैंने सूट भी स्टार्ट किया है, दो ही मिनट हुआ है, वो उठ गई है। तो देखते हैं मैं किस तरह से उसे मैनेज करूंगी, उसके बाद अपना वीडियो शूट करूंगी। तो देखिए गाइस क्या क्या करना पड़ता है। तो मुझे शूट के बीच से उठना पड़ा क्योंकि मेरी बेबी उठ चुकी थी। उसको मैंने इस रूम पे मोबाइल दिया था ताकि वो मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट मिल जाए। तो उसने अभी बोला कि उससे पॉटी हो गया, तो मैं सूट पॉज करके अभी आई हूँ पॉटी क्लीन करने के लिए, फिर उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सूट के लिए। तो गाइस अभी मेरा जो बैठ के वीडियो होने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ट्राई ऑन हॉल है जो मैं पहन पहन के वीडियो बनाती हूँ, जिसे आपको देख के बड़ा अच्छे से समझ आता है। तो मैंने बैठने वाला शूट अभी कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं ट्राई ऑन हॉल जो पहन पहन के है वो शूट करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ, अब दिख रहे मेरे चेहरे से मैं कितनी थक गई हूँ, तो करना तो पड़ता है गाइस। तो फिर मैं अभी जितने भी कपड़े मैंने दिखाए उसको पहन पहन के आप शूट करूँगी, उसके बाद मैं अपना शूटिंग जो कंप्लीट है वो करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरा ये लास्ट आउटफिट था जिससे मैंने अपना शूट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगी, और एक शूटिंग के दौरान कितना ज़्यादा मैस होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आयरन जो मैंने किया था वो ऐसे ही रख दिया है, और इसका स्विच निकाल दिया है। ये कपड़े जितने भी मैंने पहने थे ये है, और ये कपड़े जो भी मैंने अभी ट्राई किया वो है। अभी जो भी मैंने मैस किया है वो सारा मैं क्लीन करूँगी, और मेरा हालत देख सकते हैं मैं कितनी थक चुकी हूँ, और सारा वारा चेंज करके फिर मिलती हूँ, सारा मतलब क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। और जहाँ मैंने सूट किया है वहाँ पर देखिए क्या हालत है, और यहाँ पे सारा जो अरेंज किया हुआ तो सारा वो हट गया है। और ये रिंग लाइट जो कि मतलब वहाँ पे कपड़े आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, और जो सेंटर टेबल है उस साइड में चला गया है, सारा कुछ उतल पुतल हो चुका है। रिंग लाइट जो कि मैं अभी जो कपड़ा पहन रही थी उससे पहन के मैं शूट कर रही थी, तो ये सारा कुछ मुझे घर अभी पूरा क्लीन करना है। तो गाइज 5 मिनट का वीडियो तो होता है लेकिन बहुत मेहनत का काम है, और अगर प्लीज़ मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है और मैं आप मुझे देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस मैं सारा कुछ क्लीन करके फिर मिलती हूँ आपसे। मेरा हालत देखिए मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, और आपने देखा कि किस तरह से एक वीडियो शूट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, और मतलब प्रिपरेशन आपने देखा। तो ये वीडियो था कि आप मतलब बिहाइंड द सीन मैं जो शूट करती हूँ वीडियो, उसके बिहाइंड में क्या क्या चलता है, किस तरह से होता है। तो आई होप आपको देखने में पसंद आया होगा ये अनसीन वीडियो जो बिहाइंड द सीन था। तो बस ये मेरे हाथ में है वाइप्स, जो कि मैं अपना मेकअप अभी क्लीन करूँगी। मतलब अब वीडियो के लिए आप इतने अच्छे से सजो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, उसके बाद फिर क्या करना है, उतार के फोल्ड करके फिर रख दो, उसके बाद मेकअप क्लीन करके जो नॉर्मल लाइफ है वो जियो। तो एक यूट्यूबर की लाइफ ऐसी ही होती है, मतलब वीडियो बनाने के लिए आप मेकअप करते हो, और मतलब ड्रेस अच्छे कर लेते हो, और फिर 5-10 मिनट के बाद फिर अपने औकात में आ जाते हो जो घर में रहते हो, फिर ऐसे रेडी होके लगता है ना कि बाहर जाएं और मतलब कहीं जाएं और पार्टी वार्टी करें, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने जो मेकअप किया था अभी मुझे उतारना पड़ेगा और बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना पड़ेगा, किचन में बच्चे को देखना पड़ेगा जो वही होता है। तो बस ये था आज का वीडियो गाइज, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा भी आज का ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।